यू ऑल आर डूइंग वेल. सो जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसेस आपको चाहिए कि कैसे करना है. बाकी 50% से ज़्यादा बच्चों ने कर लिया है रजिस्ट्रेशन, बट फिर भी रजिस्ट्रेशन जो है ये मेरे को खुद ही अपना करके दिखाना पड़ेगा. तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ जाके क्लिक करना है, ठीक है. तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे और ये 2022 पे आप बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि इन लोगों ने अपडेट नहीं करा है, इनके पास टाइम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बिजी है. यहाँ पर अपना फुल नेम डालेंगे, फिर अपना ईमेल एड्रेस. अपना ईमेल एड्रेस आप लोग वही डालेंगे जो एक्टिव है, ठीक है, क्योंकि जो भी आपकी कम्युनिकेशन होगी वो आपकी उसी ईमेल के थ्रू होगी. और एकदम करेक्ट ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे. उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है. मोबाइल नंबर भी वही होना चाहिए जो आपका पूरा प्रॉपर सही होगा. उसके बाद आप यहाँ रजिस्टर कर देंगे और ये कैप्चा बिल्कुल सही डालेंगे. देन उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे. जैसे आप यहाँ रजिस्टर करेंगे उसके बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. और उसके बाद आपसे एक OTP पूछा जाएगा, ठीक है, जो कि आपकी ईमेल पे आएगा OTP. तो आपको मैं दिखा देती हूँ कैसे आपको आपकी ईमेल पे OTP जो आएगा वो, सॉरी, हाँ ये देखो, अभी मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है बट उसकी वीडियो नहीं बना पाई. ये देखो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो आपको आएगा OTP वो आपको इस तरीके से आएगा. ईमेल वेरिफिकेशन कोड जो आपका 15 मिनट्स तक वैलिड रहेगा, तो आप उसको यहाँ पे डालेंगे. यहाँ पे नहीं, जब आपका आगे पूछा जाएगा, ठीक है, वहाँ डालेंगे आप. उसके बाद आप यहाँ लॉगिन डिटेल्स पे आ जाएंगे. अपनी लॉगिन डिटेल्स पे आके अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डालेंगे. और जो ये कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे, इससे मुझे बहुत नफरत है क्योंकि कभी कभी गलत हो जाता है. आप ये डालेंगे यहाँ पे और उसके बाद लॉगिन कर देंगे, ठीक है. तो जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अपलोडिंग एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, जिसमें आपको फोटोकॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड बिलो, मतलब जो भी आपके 12th का सर्टिफिकेट आपका नहीं आया, मार्कशीट आप डिजी लॉकर वाली डाल सकते हैं. सारी फोटोकॉपीज आप पहले प्रिंट आउट करवा लो, ठीक है. देन प्रिंट आउट कराने के बाद आप अपना सिग्नेचर करो, उसको सेल्फ अटेस्टेड करो अच्छे तरीके से, और देन आप उसको स्कैन करो. स्कैन करने के बाद आप वहाँ पर अपलोड कर सकते, ठीक है. और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है आपकी पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ होनी चाहिए, ठीक है, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए. और इनका जो साइज़ है आप रीसाइज जाके ऑनलाइन कर सकते हो. जैसे कि देखो मैंने अभी कुछ बच्चों को करके भी दिखाया था, कन्वर्ट JPG में आपको 250 KB ऑनलाइन चाहिए तो आप यहाँ से कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है. ये आपका साथ के साथ दूसरे टैब में आप खोल लोगे वहाँ से हो जाएगा. और जो आपको SC ST या OBC का सर्टिफिकेट है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो भी यहाँ पे डालना. और OBC का और EWS का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका 31 मार्च के बाद का ही होना चाहिए, क्योंकि वो आपका न्यू आपको रिन्यू कराना पड़ेगा तभी होगा. तो आप यहाँ पे आई हैव रीड द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन करने के बाद आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं, ठीक है. तो जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे आपके आगे का जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस है ये आपको शो करेंगे, बट ये सबमिट हो क्यों नहीं रहा है. नेक्स्ट आप यहाँ सबमिट करने के बाद ये देखिए, अब आपकी जो भी डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल, आपका फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम एकदम करेक्ट करेक्ट फिल करना है. जिसके भी आगे स्टार लगा है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. एप्लीकेंट जेंडर या फीमेल इसीलिए शो हो रहा है क्योंकि ये ओनली फीमेल्स के लिए ही है, ठीक है, मेल नहीं है इसमें. एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, आपके डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और सिटीज़न ऑफ इंडिया ही हैं आप तो येस डालेंगे. उसके बाद अपनी कैटेगरी डालेंगे, किसी माइनॉरिटी से आप अगर बिलोंग करते हैं तो वो डालेंगे, ठीक है. उसके बाद आप अपनी यहाँ पे फैमिली डिटेल्स डालेंगे. सारी चीज़ें ये डालने के बाद, एड्रेस वगैरह सब डालने के बाद आपको यहाँ से सबमिट कर देना है. और उसके बाद आप यहाँ पे अपनी बैंक की डिटेल्स भी डालेंगे, ठीक है. ठीक है, तो आप जैसे ही ये वाला पर्सनल डिटेल्स का कॉलम आ जाएगा और आप इसको फिल कर देंगे अपनी पर्सनल डिटेल को, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है. तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं, आपके जो स्टेट डोमिसाइल है, आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली ही डालना है और कुछ नहीं डालना है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली के बच्चों का एडमिशन होता है. देन उसके बाद जो भी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है. आपको अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो भी आपको नीचे प्रोवाइड करनी है. देन आपको
बैंक की डिटेल्स भी डालनी है, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो वो रिफंड आ जाता है आपको। तो आपकी बैंक की डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे प्रीवियस एडिट, अगर कुछ गलत डाला है तो एडिट कर सकते हो, अगर प्रीवियस में जाना है तो वहाँ पे ठीक है। अब आप इसको नेक्स्ट कर दो, जैसे आप इसको नेक्स्ट करोगे तो ये अब आपका नेक्स्ट आ जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, एप्लीकेंट शुड हैव पास थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली। आपको अलग अलग पास हो आप, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल में। एंड एनी पेपर विद बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कॉम्पोनेंट विल बी कंसिडर्ड ओनली द रेशियो ऑफ 70। अच्छा, आपको मतलब थ्योरी लेस देन 70% नहीं होना चाहिए आपका इसमें, ये शायद कहा है इन्होंने। द एप्लीकेंट शुड सेपरेटली फिल इन टू द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म द मार्क्स ऑब्टेंड, मैक्सिमम मार्क्स जो आपके थ्योरी में और प्रैक्टिकल में कितने हैं ये सब आपको नीचे देखना है। और अगर जो कॉलम आपका नहीं है वहाँ पे जीरो कर सकते। अब बोर्ड ऑफ एजुकेशन यहाँ पे पूछा गया है, तो आपका जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन है वो कौन सा है, जैसे कि CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है ना कुछ बच्चों का, तो यही होगा आई थिंक। फिर आपका रिजल्ट स्टेटस, अब यहाँ पे पास्ड ही लिखोगे क्योंकि आप ट्वेल्थ पास्ड कर ली, आपने सबने ट्वेल्थ पास्ड करी है। और यहाँ पे अपना बोर्ड रोल नंबर डालेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे अपना क्या बोला हुआ है ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे। फिर सब्जेक्ट टेकन इन बोर्ड एग्जामिनेशन, जो आपने बोर्ड एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट लिए थे वो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो डालेंगे। उसके बाद मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स आपके अलग से हैं, थ्योरी मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क्स जो आपके मैक्सिमम, जैसे कि 80 का होता है ठीक है, 80 आपकी 80 का थ्योरी होता है मैक्सिमम और 20 का आपका प्रैक्टिकल होता है ठीक है। तो उसमें आपने कितने ऑब्टेन करे हैं मार्क्स, सपोज 80 के थ्योरी में आपने ऑब्टेन करे हैं 70 और प्रैक्टिकल में आपने ऑब्टेन करे हैं 18 ठीक है। तो मैं ये ऐसे ही डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को तो नहीं लेना एडमिशन, आई एम ऑलरेडी ग्रेजुएट। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मेरे को फॉर्म ऐसे ही फिल करना पड़ रहा है। और बोर्ड रोल नंबर, आई डोंट थिंक सो कि मेरा बोर्ड रोल नंबर क्या है, तो मैं अभी नॉर्मली ऐसे ही बोर्ड रोल नंबर डाल रही हूँ। और ईयर ऑफ पासिंग जो है, अब भी जैसे 2023 में आपने पास किया है और सब्जेक्ट आपका सपोज़ कॉमर्स कर देते हैं, चलो अकाउंटेंसी बैंकिंग कुछ भी कर देते हैं। और उसके बाद आपका सिलेक्ट द सब्जेक्ट स्टडीड, हर सब्जेक्ट के आपको अलग अलग डालना है। नेक्स्ट आपका अकाउंटेंसी है तो अकाउंटेंसी के क्या है 80 है, फिर उसमें से आपने कितने मार्क्स गेन करे 78, काश इतने मैंने रियलिटी में किए होते। तो उसके बाद मैक्सिमम प्रैक्टिकल आपका 20 है और उसमें से आपके सोचो 20 आए हैं फुल। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स सब्जेक्ट 100, हाँ ये इन लोगों ने खुद ही कैलकुलेट कर लिया। तो जो भी है गाइज, ये आपका पूरा आपके मार्क्स का है, आपको यहाँ पे अपने मार्क्स डालने हैं। जब आपके सारे मार्क्स यहाँ डाल दोगे तो नीचे आप देखो ये एडिशनल डिटेल्स हैं, यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल लास्ट अटेंडेड, जो आपका स्कूल आपका है उसका नाम, टाइप ऑफ स्कूल, टाइप ऑफ स्कूल में क्या क्या है, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट डालेंगे। स्कूल लोकेशन आपकी क्या है, NCT दिल्ली ही होनी चाहिए क्योंकि अदर तो नहीं चलेगा। मीडियम ऑफ स्टडी आपका इंग्लिश है, हिंदी आपने हिंदी कब तक पढ़ी है, अप टू क्लास 10th तक पढ़ी है या अप टू क्लास 12th तक पढ़ी है ठीक है, तो ये डाल सकते हो। हैव यू स्टडी एनी ऑफ दिस लैंग्वेज, मतलब आपने इनमें से कोई लैंग्वेज पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो आप नो डालो डायरेक्ट, और पढ़ी है तो येस डालो। आई डोंट थिंक सो के पढ़ी होगी इतनी सारे लैंग्वेजेस। और यहाँ पे आपको सब जब भी आप फिल कर लोगे उसके बाद देन आपको सबमिट कर देना है ठीक है। तो अब आप जैसे ये सब ये चीज़ सारी इन्फॉर्मेशन अपनी फिल कर लेंगे, इसको आप सबमिट कर देंगे ठीक है। जैसे आप लोग सबमिट करेंगे आप लोग थर्ड ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे यहाँ पे, जो कि हमारा नहीं हुआ सबमिट, इन्होंने कुछ बोल दिया, नहीं नहीं हो गया हाँ। अब आप यहाँ पे अपलोड स्कैंड कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड क्लास 12th बोर्ड मार्कशीट ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देखिए मिनिमम फाइल साइज़ आपका 100 KB होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 500 होना चाहिए। जो आपकी डिजी लॉकर वाली है आपको उसको निकाल के देन सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद यहाँ पे क्या करना है उसके बाद मैं नेक्स्ट करके देखती हूँ, अगर हो जाए सबमिट तो हाँ ठीक है। अब यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको अपलोड सेक्शन फॉर पर्सनल डिटेल, अपलोड एप्लीकेंट्स फ़ोटो, आप अपने यहाँ पे फ़ोटो करेंगे जो कि आपकी मैक्सिमम 100 KB की होनी चाहिए और मिनिमम आपकी 30 KB की होनी चाहिए। ऑनलाइन जाके आप इसको चेंज कर सकते हो। आपका यहाँ पे स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए ठीक है, इन सबको आप एडोब स्कैनर जो फ़ोन में होती है ऐप प्ले स्टोर पर जाके या ऐप स्टोर पर आप वहाँ से कर लो। उसके बाद अपलोड स्कैन कॉपी आपके 10th
के बोर्ड के सर्टिफिकेट की, ठीक है, उसके बाद 12th के बोर्ड सर्टिफिकेट की, देन अपना रेजिडेंट प्रूफ जो कि आपका आई थिंक आधार कार्ड में हो जाएगा या और भी कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका रेजिडेंट प्रूफ हो, तो आई थिंक वो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होगा। उसके बाद आप सेव करके कंटिन्यू लेटर भी कर सकते हैं, बट जैसे आप सब फिल कर दिया उसके बाद नेक्स्ट कर दो। अब यहाँ पे आ गया यू हैव नॉट अपलोडेड फोटो, बिकॉज अभी मैंने कुछ अपलोड नहीं करा है। उसके बाद सेव करके आप कंटिन्यू कर सकते हो। देन अभी हम कौन से नंबर पे हैं, आई थिंक 4th, तो देखते हैं 5th नंबर पे क्या है। हाँ, प्लीज़ रिव्यू योर एप्लीकेशन, रिजॉल्व द फॉलोइंग कंटिन्यू। तो हमें, अच्छा, मैं कुछ अपलोड नहीं करा है इसीलिए आपको दोबारा से प्रीवियस सेक्शन में जाने के लिए बोलेगा। 5th सेक्शन में नहीं, जब तक नहीं जाएंगे हम जब तक ये सारी चीज़ें अपलोड नहीं करते। तो जैसे कि बस यही है कि यहाँ पे अब मैं तो सारी चीज़ें अपलोड नहीं करूँगी, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें अपलोड करनी है। उसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा आप एक बार अपना प्रीव्यू कर लेना, क्योंकि उसके बाद जब आप सबमिट कर दोगे और लास्ट जब आप लास्ट सबमिशन कर दोगे उसके बाद आपसे ये पेमेंट मांगेंगे। और आफ्टर पेमेंट गाइज आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, तो जरूरी नहीं है अभी फटाफट फटाफट फिल करो। देखो यहाँ पे एक ये भी ऑप्शन है, जैसे हम प्रीवियस एक्शन पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ये भी ऑप्शन है कि सेव एंड कंटिन्यू लेटर, आप इसको सेव कर लो। यहाँ तक आपने फॉर्म फिल कर लिया, उसको सेव कर लो, सॉरी नेक्स्ट हो गया, उसको सेव कर लो, ठीक है। तो आपका सेव हो गया, अब आपकी क्या क्या चीज़ें पेंडिंग है, पर्सनल हो गया, एकेडमिक हो गया, अपलोड्स आपके पेंडिंग है और पेमेंट, ठीक है। तो देन आप पेमेंट जब अपलोड पूरा कर लोगे उसके बाद आप पेमेंट कर दोगे। जैसे आप लोग पेमेंट कर दोगे आपका फॉर्म दोबारा एडिट नहीं हो सकता। सो आई होप गाइज जो भी आपके जो मार्क्स हैं कितने डालने हैं, बेस्ट 4 मार्क्स आपके कैलकुलेट होंगे। मैं दोबारा बोल रही हूँ, बेस्ट 5 नहीं होंगे, ठीक है। अगर मैंने पहले बेस्ट 5 बोला होगा तो आई एम रियली सॉरी, बट आपको बेस्ट 4 ही अपलोड करने हैं मार्क्स यहाँ पे, और क्योंकि बेस्ट 4 के बेसिस पे आपके यहाँ पे कट ऑफ आएगी। तो आप बेस्ट 4 मार्क्स कर उसको कैलकुलेट करके देन आपकी परसेंटेज जो है वो काउंट होगी। नेक्स्ट आपको बस पेमेंट कर देनी है। अभी जो आपकी पेमेंट है वो रिगार्डिंग आई थिंक 250 के अराउंड होगी, ठीक है। बहुत बच्चों ने बताया था मेरे को 250 के अराउंड आपकी पेमेंट होगी। उसके बाद जब पेमेंट हो जाएगी तब आपका फॉर्म आप एडिट नहीं कर सकते, और देन जब आपकी कट ऑफ आएगी, जब कट ऑफ आएगी तब आप अप्लाई करोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पोर्टल पे शो हो जाएगा कि आपकी परसेंटेज किस पे मैच हो रही है, किस कॉलेज में। तो आप वहाँ अप्लाई नाउ कर सकते हैं, क्योंकि आपका पोर्टल उस टाइम जब सब कुछ फॉर्म वॉर्म सब फिल हो जाएगा देन आपका पोर्टल किस तरीके से दिखेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी देखो, जब आप पूरा फॉर्म फिल कर लोगे, ये मेरे को किसी बच्चे ने अपना एडमिशन सॉरी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड दिया है बहुत ही ट्रस्ट करके कि दी आप मेरी इन्फॉर्मेशन मत दिखाना मेरी वीडियो में। तो मैंने जैसे नाम है प्रीति, एंड थैंक्स प्रीति, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी हेल्प करते हैं और मुझे आप लोगों की हेल्प की भी ज़रूरत कभी कभी पड़ती है, तो थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो हेल्प करते हैं। तो उसने मेरे को अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड दिया, क्योंकि उसने भी कहा कि बहुत सारी गर्ल्स को प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई नहीं आप दे दो, ठीक है। तो NCVAP एडमिशन जो है, देखो जब आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा तब आपका कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा पूरा आपका जो है पोर्टल दिखेगा। तो नो NCVAP कट ऑफ एक्टिव, क्योंकि अभी कोई भी कट ऑफ एक्टिव नहीं हुई है। आपको यूनिवर्सिटी की साइट पे विजिट करना होगा, तो उसके लिए तो मैं हूँ, मैं आपको अपडेट कर दूंगी जैसे ही कट ऑफ आएगी। तो जैसे सब होगा आप यहाँ माई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका पूरा एप्लीकेशन दिख जाएगा। और जिन बच्चों का 12th सर्टिफिकेट नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट में आपका व्यू आना चाहिए और ग्रीन टिक आना चाहिए, ठीक है। और अपडेट एकेडमिक सेक्शन यहाँ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपका जब 12th की प्रोफेशनल आपकी पूरी स्कूल से आपकी आ जाएगी, क्या कहते हैं, स्कूल से आपका सर्टिफिकेट जो 12th की मार्कशीट आ जाएगी, तब आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। वो चाहे अब आप एडमिशन के बात करो या कुछ भी, वो आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी मेरी वीडियो से। तो प्लीज़ 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 एटलीस्ट 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाओ, और आगे की जो भी आगे मेरे चैनल पर और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आएगी और भी NCVAP से रिलेटेड। और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होती है आप मेरे को इंस्टा पर भी DM कर सकते हो, और उसके रिगार्डिंग आपको किस चीज़ के रिगार्डिंग वीडियोस चाहिए, क्योंकि अभी तो आपका ग्रेजुएशन से रिलेटेड है, अब उसके बाद मैं बीएड टीचिंग से रिलेटेड और भी कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊँगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।